हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एमपी बोर्ड के सभी बच्चे, क्योंकि कल से आपका स्कूल ओपन होने जा रहा है 50% के साथ। 1 से 12 तक सभी बच्चे कल से स्कूल जा सकेंगे। सबसे बड़ी अपडेट तो यही है। अब आपको सबसे ज्यादा चिंता एनुअल एग्जाम को लेकर है, क्योंकि जो 10th और 12th का एग्जाम है वो 17 फरवरी से है, और आज आपका 31 जनवरी है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 31 जनवरी, और कल से 1 फरवरी, मतलब 17 दिन मात्र आपके पास है। तो क्या इस स्थिति में आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो कहीं भी यदि आप फेक न्यूज पाए हो उसको आप दरकिनार करिए, क्योंकि एग्जाम को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जहां तक मेरा एनालिसिस है तो 90% तो चांसेस है 17 फरवरी से आपका एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका टाइम टेबल भी आ गया, टाइम टेबल के साथ साथ आपका सबसे बड़ा जो सबूत होता है एडमिट कार्ड का। स्कूल भले नहीं लगा लेकिन विविध रूप से आपका पढ़ाई चलता रहा, गवर्नमेंट ये नहीं देखता है, आपका एग्जाम ले लेगा, क्योंकि उसको ये स्थिति रहेगी कहीं और आगे चलकर स्थिति गंभीर ना हो, COVID-19 जो है और ज्यादा इन केसेस, मतलब आपका स्थिति खराब ना हो। इस कारण से आपका एग्जाम 17 फरवरी होने का 100% में से 90% चांसेस होता है। तो अब देर किस बात की बच्चों, अभी तक आपने जो किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 17 दिन आपके लिए इतना कम समय है, अभी से लग जाओ। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप अभी से लग जाओ। अब आपके पास वक्त केवल और केवल पढ़ने के लिए है। यदि आप अभी सोच रहे खेलने के लिए या कि किसी शादी में अटेंड करने के लिए, फंक्शन अटेंड करने के लिए, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, प्लीज यार 17 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि आपके पूरे साल का जो मेहनत है वो 17 दिन में कंप्लीट रूप से दिखने लग जाएगा। आपने पूरा साल मेहनत किया है, लेकिन यदि इन 17 दिन में आपने मेहनत नहीं किया तो गारंटी में कहता हूं, यदि आप 90% का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप 70% में रह जाएंगे, क्योंकि आखिरी समय जो होता है वो सोने में सुहागा जिसे बोला जाता है, क्योंकि इन समय में केवल और केवल आपको एक रिवीजन के तौर पर पढ़ाई करना होता है, क्योंकि अभी से आप 6 महीने पहले जो भी पढ़े होंगे वो आपको डेफिनेट रूप से भूल चुका होगा, लेकिन आज अभी यदि आप इसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको याद हो जाएगा। और हां, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें। क्वेश्चन बैंक का सलूशन आपके पास नहीं है तो 100 रुपए में ऑल चैप्टर ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं। तो हमारे पर्सनल नंबर 96 85 29 51 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपए में आल चैप्टर आल सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप प्रॉपर रूप से पढ़ें। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि इन केसेस जो आपका कंडीशन चलता आ रहा, अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि 80% तक क्वेश्चन दे दे। हालांकि क्वेश्चन बैंक से मैं नहीं कहता 100% आएगा, लेकिन 60% तो चांसेस बनता है। तो क्वेश्चन बैंक तो अच्छे तरीके से तैयार कर ही लेना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अब वक्त आ गया मेहनत करने का, तो प्लीज आप मेहनत करें, बिल्कुल समय बर्बाद मत करें। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।